पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो गाइज ये है अपना गांधी पार्क, और गांधी पार्क है तो गांधी जी की प्रतिमा होना आम बात है। यहाँ पे क्लॉक टावर ना सामने बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होपफुली बढ़िया होंगे। तो भैया इस टाइम पे मैं हूँ पंतनगर में, और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये सामने है गांधी भवन, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ मैं पंतनगर के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मैं फटाफट से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पंतनगर की वीडियो तो मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो बहुत सारी जानकारियाँ मैंने शायद उसमें नहीं दी होंगी आपको, तो वो चीज़ें आपको मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपना जो पंतनगर है, पंतनगर का नाम गोविंद वल्लभ पंत कैसे पड़ा, और क्या है यहाँ की खासियत, क्यों इसे एशिया का नंबर वन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपने पंतनगर यूनिवर्सिटी की। पंतनगर यूनिवर्सिटी का जन्म कब और कैसे हुआ? पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। 1972 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं गोविंद वल्लभ पंत, उनके नाम से इसका नाम पड़ गया था, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। तो गाइस पंतनगर यूनिवर्सिटी 12,661 क्षेत्र में फैली हुई है। तो गाइस 2002 से पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के पास 16,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, मतलब 16,000 एकड़ जमीन का मालिकाना हक था, जिसमें से 3,339 एकड़ जमीन औद्योगिक केंद्र बनाने में उत्तराखंड को दे दी। तो गाइस ये है अपना गांधी पार्क, और गांधी पार्क है तो गांधी जी की प्रतिमा होना आम बात है यहाँ पे। और सामने है गांधी हॉल, और ये पूरा जो सामने आप देख पा रहे हैं वो है अपना लाइब्रेरी। तो गाइस जो आप पंतनगर का किसान मेला देखते हैं ना, इसी ग्राउंड में आपको देखने को मिलता है। ये ग्राउंड है और सामने वाला ग्राउंड है, मतलब जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास जो गांधी हॉल है, गांधी हॉल के आसपास जितना भी आपको एरिया दिखेगा ना, वो सभी एरिया में, पूरे एरिया में आपको किसान मेला देखने को मिल जाता है। मतलब अभी अक्टूबर से आपको ये किसान मेला देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर और मार्च, ये साल में 2 बार ये मेला लगता है, और बहुत ही बेहतरीन है। आप भी आ सकते हैं, आके इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज इस टाइम पे मैं हूँ पंतनगर लाइब्रेरी के पास, और लाइब्रेरी के जस्ट सामने आपको क्लॉक टावर देखने को मिल जाता है। बाकी बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है, तो आप आके आराम से यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय तो क्या करेंगे, लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ की जो बुक्स हैं वो देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी सामने क्लॉक टावर ना सामने बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर क्लॉक टावर है, और क्लॉक टावर के जस्ट सामने लाइब्रेरी, तो बहुत ही बढ़िया है। तो भैया एक्चुअली वैसे परमिशन तो होती नहीं है, तो मैंने रिक्वेस्ट करके परमिशन ली भैया से, तो उन्होंने परमिशन दे दी। बाकी निकलते हैं यहाँ से, और आपको बाकी की और जगह की भी लोकेशन शेयर करता हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो गाइस इस टाइम पे मैं हूँ, मेरे सामने जो दिख रहा है वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी जो अपनी है एग्रीकल्चर की है, तो पहला कॉलेज मैंने सोचा आपको एग्रीकल्चर का दिखा दिया जाए, और जो सीरियल है, सीरियल वाइज भी पहला जो कॉलेज है वो है एग्रीकल्चर का कॉलेज, और इसके बाद मैं भी आपको और भी कॉलेजों में लेके जाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट यहाँ से आगे की तरफ। गाइस इस टाइम पे आए हैं हम कॉलेज ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान महाविद्यालय के पास हैं इस टाइम पर हम, और कॉलेज तो आजकल बंद चल रहे हैं, कुछ फेस्टिवल है, फेस्टिवल की वजह से बंद चल रहे हैं, 2-3 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए अंदर हम जाके आपको दिखा नहीं सकते। वहाँ की बाहर से कॉलेज का व्यू कुछ इस तरह से है। तो ये है कॉलेज, और कॉलेज के जस्ट सामने आपको दिख जाएगा ये गांधी भवन, सामने गांधी भवन है, सामने गांधी पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, बच्चे वहाँ पर सामने डांस वांस कर रहे हैं, गेम वेम वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पर। तो गाइस सामने जो आप कॉलेज देख रहे हैं, ये है कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस,
तो भैया इस कॉलेज का ये सामने है, पार्क वगैरह है, और सामने आपको जितने भी यहाँ पे कॉलेज दिखेंगे ना, ये सारे कॉलेज आपको गांधी पार्क के सामने मिलेंगे। तो भैया कॉलेज तो बहुत ही प्यारी लोकेशन में है, इसके मतलब चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही प्यारी लोकेशन में है आप ये कॉलेज। तो गाइज इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के लगभग 4, और इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, और यहाँ पे ना बिल्कुल भी क्राउड नहीं है क्योंकि छुट्टी का दिन चल रहा है। तो गाइज पन्नगर की एक खास बात है ना, यहाँ पे ना आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, मतलब चारों तरफ हरियाली, हरित क्रांति के नाम से जो फेमस है ना अपना पन्नगर। तो अभी इस टाइम पे अभी हम लोग पहुँचे हैं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो भैया इसका भी जो व्यू है ना वो बहुत ही प्यारा है, और काफ़ी अच्छे लोकेशन में ये कॉलेज है, तो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो गाइज इस टाइम पे मैं हूँ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि मेरे को अभी तक का ना सबसे बढ़िया कॉलेज लगा और सबसे प्यारी लोकेशन लगी इसकी। हालांकि सभी कॉलेज बहुत अच्छी लोकेशन में हैं, लेकिन मेरे को ना इसका बहुत ही प्यारा लगा एनवायरनमेंट। सामने इसका बहुत ही प्यारा सा गार्डन बना रखा है, बहुत ही प्यारा सा गार्डन है, और ये सामने कॉलेज ना, कॉलेज मेरे को लग रहा है ये नई बिल्डिंग में बनाया हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का एक और बिल्डिंग जस्ट सामने है और एक बिल्डिंग यहाँ पे है। तो और जो सामने आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सामने वाली बिल्डिंग है, वो आईटी की है। तो बाकी ये भी ना बहुत ही प्यारी लोकेशन में है। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।